नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। उच्च शिक्षा मंत्री ने किया बालक छात्रावास का लोकार्पण। उच्च शिक्षा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री जयबान सिंह पवैया द्वारा बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास का लोकार्पण किया गया। 1,94,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इस छात्रावास में 50 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इस मौके पर कलेक्टर राजेश जैन, विधायक पन्नालाल शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान उपस्थित थीं। प्रभारी मंत्री द्वारा संपूर्ण छात्रावास का निरीक्षण भी किया गया। पंडित जी साइड से हो जाइए। मंत्री ने किया कितने की लागत से था, कब इसकी समय सीमित थी, क्या हैंडओवर की स्थिति? ये 14-15 में स्वीकृत हुआ था और इनको इन्हें अगस्त 17 में हैंडओवर किया है और इसकी लागत 1,94,00,000 है। इसमें फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था है, साथ 50 बच्चों के लिए बनाए हैं। 50 बच्चे इसमें आ जाएंगे और उनकी छात्रों की आवास की समस्या। लागत क्या? 1,94,00,000। नहीं, ऐसे ये बच्चे गुना पड़ेंगे ना रहने वाले, हाँ, तो इनकी ट्रबल जाने आने की व्यवस्था करें, साइकिल की व्यवस्था। गुना में होने जा रही ऑल इंडिया T20 लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर से गुना के संजय स्टेडियम में होने जा रही इस प्रतियोगिता के बारे में आयोजकों ने पत्रकारों को जानकारी दी। और बहुत ही सफल नहीं, भारत यात्रा तो समझ लो आप के राष्ट्रपति भवन में जो कुछ भी दिखाया गया वो केवल गुना का दिखाया गया था पूरे भारत में। और पूरे मध्य प्रदेश का कहें तो जो टिटनीगढ़ भोपाल स्टेडियम में माननीय सीएम साहब के मुखातिथ में जो संपन्न हुआ कार्यक्रम भारत यात्रा का, तो वहाँ पे भी एक समय पे एक विचार को सुनने के लिए एक स्थान पे 22,000 बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए, वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना। तो आप सब लोगों का सहयोग तो हमारे साथ हमेशा है, आज फिर हम उसी कड़ी में एक नई कड़ी जोड़ने के प्रयास में यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं। और ये अभी चूंकि जैसे लगता है कि भारत अगर चीज को उस खेल के दौरान विद्वानों के द्वारा कुछ मुख्यवक्ताओं के द्वारा बीच बीच में हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर हमारे आर्य शंकराचार्य जी ने जो भी किया है राष्ट्र के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए, हमारे अद्वैत जो सिद्धांत के लिए कि हम एक आत्म मानववाद है, हर एक के अंदर ईश्वर का अंश है, इन सब चीजों के लिए अगर हम कुछ बात विचार को दे पाएंगे तो खेलों के माध्यम से खेल भावना के साथ साथ में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में इस मैच का आयोजन जो हो रहा है जो अपने 12 तारीख से चालू हुआ, 14 को विधिवत शुभारंभ होगा और 23 को इसको समापन होगा।
इस मैच में आप सब लोगों से आग्रह है विनम्र, इसलिए हमने यहाँ हम लोग सभी एकत्रित हुए और इसमें आपके सुझाव, मैच आपने बहुत देखे होंगे गुना में कई बार से होते ही आ रहे हैं, वो अलग बात है कि मैच होते हैं और मेरे से भी जब भी कोई भी कहीं भी कोई भी आया है तो मैं जो क्षमता मेरे से बनी मैंने हमेशा सहयोग करने की कोशिश की है। लेकिन इसी बार मैं सोचता था कि यहाँ जितने मैच होते हैं उन मैचों के पीछे कहीं ना कहीं एक मनोरंजन तो हो जाता है। साल भर में एक मैच हो गया, कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने देखा, भीड़ देखी, किसी कुछ राजनीतिक परिपेक्ष भी हो गया उससे। लेकिन मैं समझता हूँ कि गुना में एक एकेडमिक रूप से, एक संस्थागत रूप से क्रिकेट को अगर हम कुछ कर सकें उसी प्रयास को कोशिश की है और गुना क्रिकेट एकेडमी जो गठित हुई है उसका उद्देश्य गुना जिले में क्रिकेट का एक अच्छे लेवल पे ऐसा कुछ 3 साल के अंदर निकले यहाँ से कि ग्वालियर संभाग में और मध्य प्रदेश में गुना की टीम को पहचान मिले, ये मेरी सोच है इस गुना क्रिकेट एकेडमी के माध्यम से। उसी के तहत ये मैच है और लाइन ग्रुप जो मैं चेयरमैन हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो लाइन ग्रुप इसमें अपना फाइनेंशियल मदद कर रहा है, उसके साथ में ये मैच है। और गुना क्रिकेट एकेडमी में हमारे साथ हमारे संजय तिवारी जी जो उपाध्यक्ष है उसमें साथ में किट्टू जो मैच को क्रिकेट को करते किट्टू जरा राहुल तिवारी, तो इनको उसमें ये सचिव का दायित्व है क्रिकेट में। और एकेडमी का सपना राहुल ने मुझे बताया था, उस दृष्टिकोण को मैंने उसको आगे बढ़ाया है पूरा। अब आप लोगों के इसमें मार्गदर्शन सुझाव जो भी हो वो मुझे जरूर दें और हमको दिशा भी दें इसमें कि इसको और अच्छे तरीके से एकेडमी को हम किस दिशा में ले जाएं। गुनावार क्रमांक 24 के भुल्लनपुरा गंगानगर में नाली निर्माण को लेकर लोगों में रोष देखा गया। स्थानीय निवासियों का आरोप था कि नाली निर्माण कुछ गलियों में हो रहा है एवं जहां पानी भराव ज्यादा है वहां निर्माण नहीं किया जा रहा। लोगों ने मांग की है कि नाली निर्माण कराकर पानी की निकासी की व्यवस्था कराई जाए एवं गंदगी करने वाले लोगों को नोटिस दिए जाए। ये अगर आप लोग चाहें तो जो मोहल्ला वास्तव में अच्छा है लेकिन यहाँ गंदगी और ऐसे भरा पड़ा है, आपको पता है समस्या ये है। मैंने बड़ी मुश्किल से जो झोपड़ी तैयार की है अब बैठक ले गया मकान से पूरा मोहल्ले का पानी इसी में भरा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि नाली बन जाए, कम से कम रोड तो बनना ही नहीं है, तो ये पानी का निकास हो जाए और ये पानी का भराव बंद हो जाए। जिन लोगों ने ये गंदगी बना रखी है उन्हें नोटिस जारी किए जाए। यहाँ से 100 नंबर पे भोपाल डायल अंडे कंट्रोल रूम से इवेंट मिला मुझे, मुझे ये शासकीय प्रक्रिया के अंतर्गत शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने का इवेंट था, इसलिए मैं गाड़ी पर स्वयं इवेंट क्लियर करने निकला। क्या समस्या आ रही थी? हमारी प्रमोशन का ये समस्या इनकी ये है कि मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, ये गंगानगर वार्ड क्रमांक 24 में आता है, इनकी समस्या है। यहाँ नाली का काम किया जा रहा है, बुल्लनपुरा गंगानगर वार्ड क्रमांक 24, इसमें इनकी समस्या डायल हंड्रेड पर की गई कि आधे मोहल्ले में नाली बनाई जा रही है, आधे में नहीं बनाई जा रही है। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं के अधिकार विषय पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। योजना लागू की, क्या हम वास्तविकता में जमीन से जुड़कर वह कार्य करते हैं? क्योंकि जब उसको उस नजरिए से देखा जाता है कि इसने बेटी को जन्म दिया है, ये शक्ति उस माँ के अंदर होना चाहिए लड़ने की कि मैंने बेटी को जन्म दिया तो क्या हुआ, मेरे यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है, उसको नर्वस नहीं होना चाहिए। आज का दिवस है मानव अधिकार दिवस। हमारे भारत के प्रधानमंत्री साथियों कानून बनाए जाते हैं, उन कानून को हम अपने अधिकार में।
भारतीय मछुआ संघ के तत्वाधान में स्थानीय नेहरू पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि 2012 में मुख्यमंत्री द्वारा सिंहवासा तालाब के पास निषाद भवन के निर्माण हेतु जमीन दी गई थी, परंतु आज तक भवन निर्माण नहीं किया गया। इस अवसर पर समाज की समस्याओं, एकता, शिक्षा व अन्य कुरीतियों पर विचार विमर्श किया गया। अब भरोसे वाली कोई बात है कि भाजपा वाले की थी नहीं, और माजी मुद्दा नहीं आया ना, जाति वाला मुद्दा। माजी मुद्दा तो क्या है, आप संविधान में लिखा है, संविधान आपको संसद में पारित करना ये लिखा ही हुआ है, माजी मछुआर और तीर ठीक है। अपने माजी समाज केवल की माजी समाज की अपन ने जो मीटिंग रखी है उसका उद्देश्य ये है कि हमें निषाद राज भवन के लिए 2012 में मुख्यमंत्री जी ने कोई ज़मीन दी थी सिंहवासे तालाब पे, वो तालाब पे जो अपने सिंहवासे पे निषाद राज भवन भी बनाने के लिए कुछ ज़मीन और पैसे दिया था 2012 में, अभी तक दी है, लेकिन अभी तक हमें वो चीज़ से हम वंचित हैं सिंहवासी से, ना अभी उसकी नपाई हुई ना कुछ हुआ, और हम चाहते हैं कि नए साल के दिन उसकी जाके अपने समाज की वो भूमि पूजन हो जाए, और अपने कलेक्टर महोदय से विनय और प्रार्थना है कि वो हमें नई साल तक उस चीज़ से अवगत करा दें जिससे हमारी माजी समाज जो वंचित घूम रही है, तो जो आज अपनी समाज में और आ जाते हैं अपने भवन में बैठ के मीटिंग है और हमारी समाज के कार्यक्रम होते हैं, शादी है, ब्याह है, वो सारे कार्यक्रम अपन भाप पे जाते हैं जो अपन होटल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माजी समाज में कोई क्षमता नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, परेशानी है, उन सबसे अपन चाहते हैं कि जो आपने कलेक्टर महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें जमीन और जो राशि दी है उसको जल्द से जल्द कृपया और उनसे विनय और प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे लिए नए साल को दें। स्थानीय गायत्री मंदिर पर लायंस नेत्र चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर उनका ऑपरेशन नेत्र चिकित्सालय में किया जाएगा। इस शिविर में कई लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। लायंस नेत्र चिकित्सालय के द्वारा आज यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पर एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में मोतियाबिंद रोगियों की जांच की जाएगी और जिन्हें मोतियाबिंद पाया जाएगा उन्हें भर्ती करके लायंस नेत्र चिकित्सालय ले जाया जाएगा। अभी तक लगभग 58 लोगों की जाँच हो चुकी है और लगभग 11 मरीजों को मोतियाबिंद के लिए चिन्हित कर लिया गया है। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन स्वतंत्रता पार्क में किया गया। इस बैठक में समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में वक्ताओं ने अपने विचार इन ज्वलंत मुद्दों पर रखे। कर रहे हैं, जैसा आप और हम सब जानते हैं कि पहली बैठक जब हुई थी उसमें आज लोकतंत्र बचाओ अभियान आंदोलन के तहत हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, उसमें कई मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज मानव अधिकार दिवस के को मनाने के लिए भी कि मानव के जो अधिकार हैं जो संविधान में प्रदत्त हैं और जो मिनिमम नैसर्गिक अधिकार हैं उन पर भी बातचीत हम सब साथी करेंगे, इसलिए हम एक एक करके सभी साथी अपनी बात रखेंगे। मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहले लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का किया गया और कल
रात को शॉर्ट नोटिस पर आज की बैठक, आज का कार्यक्रम तय किया गया, इसलिए आज साथी जो आप आए हैं वो हैं और बाकी साथी अलग अलग जगह कार्यक्रमों में पहुंचे हैं। आज लोकतंत्र बचाओ की जरूरत इसलिए भी है कि आज जिस ढंग के हमले लोकतंत्र पर हो रहे हैं उसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज ये सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि एक के बाद एक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए हमने लोकतंत्र बचाओ सब आंदोलन जब किया था उसमें एक बात को रखा था, लोकतंत्र को और बेहतर बनाने के लिए और इसमें कुछ जोड़ा जाए, बेहतर किया जाए, कैसे बेहतर और समाज बन सकता है, इसके संवर्धन की बात भी हम लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में करेंगे। आज मानव अधिकार दिवस है, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हमको दिए हैं आज वो भी बचाना बड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए लोग इन सारे सवालों को लेकर जूझ रहे हैं। आज पूरे देश भर में, दुनिया के कई देशों में भी जहां भारतीय रहते हैं, मानव अधिकार दिवस को, पहले शॉर्ट में बोले लेकिन अपनी बात यहां जरूर रखें, मानव अधिकार दिवस पर मैं अपनी बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि अभी डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।